नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए दोस्तों, मैं आपको रीट की तैयारी कराने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस शीट लेके आया हूँ। आज अपन प्रैक्टिस शीट की बात करें तो मनोविज्ञान में आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों बाल विकास। दोस्तों मनोविज्ञान में आज अपन पढ़ेंगे बाल विकास, और बाल विकास के दोस्तों मैं आपके सामने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया दोस्तों। बाल विकास के 30 प्रश्न लेके आया दोस्तों। आपको देखना है कि आप 30 में से कितने सही करते हैं दोस्तों, आप 30 में से कितने प्रश्न सही करते हो, और आप वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आप 30 में से कितने सही करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और वीडियो में कुछ कमी रह गई तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों, ताकि अगले वीडियो में सुधार कर सको दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, तो अपन शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। देखिए दोस्तों, आपके सामने जो पहला जो सवाल है उसको आप ध्यान से देखिए। पहला जो सवाल मैं दे रखा है वो है, व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है वह है। देखिए, व्यक्ति के विकास के लिए मुख्य योगदान क्या दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, जो व्यक्ति है तो व्यक्ति के विकास के लिए क्या क्या मुख्य योगदान हो सकता है। देखो, वातावरण का योगदान होगा, बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम भी होगा, कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो व्यक्ति के विकास के लिए दोस्तों वातावरण भी जरूरी है और वंशानुक्रम भी जरूरी है। उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा सही होगा दोस्तों? उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। अगले सवाल के दोस्तों ध्यान से देखना, क्योंकि 30 सवाल है, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो सवाल हमें दे रखा है कि जन्म के समय बालक का भार होता दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, तो जन्म के समय बालक का जो भार होता दोस्तों, देखिए पहला ऑप्शन है 6 से 8 पाउंड है, दूसरा है 10 से 11 पाउंड है, तीसरा है 2 पाउंड, और 4 नंबर ऑप्शन है दोस्तों 3 पाउंड। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, क्योंकि जन्म के समय जो बालक का भार होता है वो 6 से लेकर 8 पाउंड के बीच होता दोस्तों। कितना होता दोस्तों? 6 से लेकर 8 पाउंड के बीच होता दोस्तों। अगला सवाल ध्यान से देखिए आप सभी। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि बालक का विकास और वृद्धि निर्भर करती है, यानी कि बालक का विकास और वृद्धि किस पर निर्भर करती है। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी बालक का विकास और वृद्धि किस पर निर्भर करेगी। देखिए, पहला ऑप्शन है शिक्षा पर, दूसरा है मनोरंजन पर, तीसरा है वंशानुक्रम, और दोस्तों जो 4 नंबर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है सामाजिक गुणों पर। तो आपको यहाँ पर देख के बताना है कि जो बालक है तो बालक का विकास और वृद्धि किस पर निर्भर करेगा, बालक का विकास और वृद्धि किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा शिक्षा पर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। अगला जो सवाल आपको यहाँ पर दे रखा है वो है, बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप ध्यान से देखिए। बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है। 4 अवस्थाएँ आपको दे रखी है यहाँ पर, जैसे शैशवावस्था है, ठीक है, शैशवावस्था दे रखा है, 2 नंबर में बाल्यकाल है, 3 नंबर में किशोरावस्था, और 4 नंबर में है दोस्तों गुढ़ावस्था। तो बालक बालिकाओं की जो काम प्रवृत्ति है वह दोस्तों बाल्यावस्था में सुप्त हो जाती है। कहाँ होती है दोस्तों? बाल्यावस्था में सुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले सवाल पढ़ लेता हूँ, उसके बाद ऑप्शन की ओर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर 5 नंबर सवाल है, वो कहता है कि किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है। दोस्तों आपके सामने जो 5वां सवाल है वो ये कहता है कि किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है। ठीक है दोस्तों, सवाल आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं आपके सामने 4 ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने 4 ऑप्शन पढ़ देता हूँ। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो आप ध्यान से देखना। पहला जो ऑप्शन है वो दोस्तों वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा है विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान, तीसरा है दोस्तों मस्त बोधमुखी सिद्धांत, और 4 नंबर ऑप्शन है दोस्तों संगठित प्रक्रिया। तो आपको 4 ऑप्शन में से देख के बताना है। सवाल में आपको रिपीट कर देता हूँ, किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है, यानी आपको बताना कि किस मत के अनुयायी का कथन है कि जो विकास का जो विकास की क्रिया का जो आरंभ होता है वो सिर से होता है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर होगा दोस्तों मस्त बोधमुखी सिद्धांत। मस्त बोधमुखी सिद्धांत, क्योंकि दोस्तों मत बोधमुखी सिद्धांत अनुयायियों का कथन है कि विकास की जो क्रिया होती है वो सिर से होती है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हो। देखिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है वो कहता है कि बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है। दोस्तों एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ, बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है।
तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि बालक का जो सर्वांगीण विकास है किस विकास पर अवलंबित है, ठीक है। तो देखो, शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है और गामक है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से आपको देख के बताना है, क्योंकि बालक का जो सर्वांगीण विकास है वो है दोस्तों गामक विकास पर, दोस्तों गामक विकास पर अधिक अवलंबित है। अगला सातवें नंबर सवाल पर चलते हैं दोस्तों, सीधे सीधे सातवां जो सवाल है दोस्तों वो है, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है दोस्तों। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है, अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रितता और उपयुक्त सभी। दोस्तों शैशवावस्था में बालक में क्या क्या पाया जाता है, अनुकरण करना बिल्कुल सही है, सहयोग लेना और आश्रितता यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप आराम से देखिए दोस्तों, देखिए अगला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए आठवां जो क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना इसको। आठवां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों वह है, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल है, यानी कि असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, एक है दोस्तों वंशानुक्रम व शरीर, देखो वंशानुक्रम व शरीर संरचना, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, तीसरा है जन्मजात वे अर्जित दोष और उपयोग सभी। दोस्तों उपयोग सभी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि सवाल को एक बार वापस रिपीट करके बता देता हूं मैं। सवाल यह है कि असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल है वंशानुक्रम वे शरीर संरचना, बिल्कुल सही है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, फिर है जन्मजात वे अर्जित दोष, यानी कि उपयोग सभी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होगा, उपयोग सभी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल आप ध्यान से देखिए, अगला जो सवाल है देखिए, अगला सवाल एक बार मैं पढ़ लेता हूं उसके बाद में देखिए। नौवां जो क्वेश्चन दोस्तों वो है, बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं। दोस्तों बिल्कुल ही सरल सवाल पूछा है आपको कि बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना कि बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं। देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आपको चार ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा आपका राइट होगा। देखो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत जैसे प्रतिभावान बालक बिल्कुल आते हैं, ये भी सही है, सृजनात्मक बालक ये भी आते हैं, ठीक है, और मंदबुद्धि बालक ये भी आते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। देखिए सवाल को आप ध्यान से पढ़ना है ना, सवाल दे रखा बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं, तो प्रतिभावान बालक भी होगा इसमें, सृजनात्मक बालक भी होगा, मंदबुद्धि बालक होगा, यानी कि उपयुक्त सभी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, दसवां जो सवाल दे रखा है, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों बिल्कुल ही सरल सवाल है ये तो, क्योंकि इसमें पूछा है कि विकलांग बालक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे नेत्रहीन बालक बिल्कुल सही है, शारीरिक विकलांग बालक वो भी विकलांग होगा, गूंगे तथा बेरे बालक ये भी विकलांग होगा, ये तो आप ऐसे ही बता सकते हो, उपयोग सभी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ग्यारहवां जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो है, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछने का तरीका आप ध्यान से देखिए, यह सवाल है कि मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है, फिर आपको चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा दोस्तों, ठीक है। देखो जैविक वे आर्थिक, फिर जैविक वे सामाजिक, सामाजिक वे राजनीतिक, सामाजिक वे आर्थिक, क्योंकि मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है इसका आपको उत्तर देना दोस्तों, तो जैविक वे सामाजिक हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, जैविक वे सामाजिक हो जाएगा। अगले सवाल की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, देखिए 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है, देखिए मान लीजिए ये 12 वर्ष का एक तरफ तो लड़के हैं एक तरफ लड़कियां हैं, ठीक है, थीके? लड़का और लड़की, तो आपको बताना 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है, तो आपको बताना लंबी होती है, बोनी होती है, समान होती है या निरंतरता होती है, आप बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए मान लीजिए सवाल में पूछा कि 12 वर्ष की लड़कियां, 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है, तो बिल्कुल होती है, क्योंकि 12 वर्ष का अगर कोई लड़का है और 12 वर्ष की कोई लड़की है तो लड़की लड़के से लंबी होगी दोस्तों, 12 वर्ष की उम्र में लड़की है जो लड़के से क्या होगी दोस्तों, लंबी होगी, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान से देखें, छात्र में वृद्धि होती है, दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, छात्र में वृद्धि होती है, फिर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, वातावरण से, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से या वंशानुक्रम से। दोस्तों बिल्कुल अच्छा सवाल है, क्योंकि छात्र में आपको वृद्धि बतानी है कि छात्र में वृद्धि कैसे होती है ना, तो क्या वातावरण से वृद्धि होती है, क्या मस्तिष्क से वृद्धि होती है, क्या तंत्रिका तंत्र से होती है या फिर वंशानुक्रम से,
दोस्तों छात्र में जो वृद्धि होती है वो वंशानुक्रम का फर्क पड़ता है, यानी कि वंशानुक्रम से। अगला क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हैं। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है वह अवस्था कौन सी है, जैसे बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, शैशवावस्था और वृद्धावस्था। तो आप जान के होंगे दोस्तों किशोरावस्था, ठीक है दोस्तों किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में बालक सामाजिक कार्य करने में बहुत ही ज़्यादा रुचि लेता है दोस्तों, ठीक है। तो किशोरावस्था इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें 15वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। शिशु का विकास प्रारंभ होता है, ध्यान से देखना, शिशु का विकास प्रारंभ होता है जन्म के पश्चात होता क्या, नहीं जन्म से पहले स्टार्ट हो जाता, क्या किशोरावस्था में होता, ये तो गलत हो गया है ना, क्योंकि बात हो रही कि शिशु का विकास कब से प्रारंभ हो जाता है, किशोरावस्था, फिर देर का बाल्यावस्था, और 4 नंबर ऑप्शन है दोस्तों गर्भकाल में। तो शिशु का जो विकास है दोस्तों वो गर्भकाल में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देर का है वो आप ध्यान से देखिए। बालक की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, ये किस विकास का द्योतक है दोस्तों। बालक की उम्र के साथ साथ, देखिए बालक की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, यह किस विकास का द्योतक है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और गामक। दोस्तों यह है गामक, क्या हो जाएगा दोस्तों गामक, क्योंकि बालक की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, यह विकास की गामक द्योती है, ठीक है। तो इसमें देखो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, गामक आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है वह है, वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों पर बात कही। वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो क्योंकि वॉटसन नामक विद्वान ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की, पहला ऑप्शन है उत्तेजना, फिर कपट व प्रसन्नता, फिर भय, क्रोध व स्नेह, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि वाटसन नामक विद्वान ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है। तो देखिए वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से भय, क्रोध और स्नेह संवेगों की बात की है। तो आपका 3रा ऑप्शन सही होगा, भय, क्रोध व स्नेह। देखिए अगला क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हो, अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वह है आपके, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। देखो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द क्या है दोस्तों, आपके जो 18वां सवाल है। देखो क्योंकि किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द जैसे विकास है, अस्थिरता है, परिवर्तन है और समायोजन, दोस्तों इसमें किशोरावस्था में क्या है, परिवर्तन। तो किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए अपन एक शब्द काम में लेते हैं, तो वो शब्द होगा परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, परिवर्तन होता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, परिवर्तन हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हो, 19वां क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में नहीं है, दोस्तों यहाँ पर सवाल है कि बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में नहीं है, जैसे वंशानुक्रम है, वातावरण है, बुद्धि है। क्योंकि बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है, बुद्धि भी प्रभावित करती है। लेकिन दोस्तों इसमें जो 4था ऑप्शन है मृत्यु बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, 20वां जो क्वेश्चन है दोस्तों। 20वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं, ये आपको देखना है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को देखिए बताना कि किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है। देखो शारीरिक विकास की समस्या, बिल्कुल सही बात है, समायोजन की समस्या, बिल्कुल ये भी सही बात है, काम और संवेगात्मक समस्या ये भी है। इसका मतलब उपरोक्त सभी सही हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि किशोरावस्था की मुख्य समस्या शारीरिक विकास की समस्या होती है, समायोजन की समस्या होती है, काम और संवेगात्मक समस्या होती है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पहले मैं सवाल को पढ़ लेता हूँ, सवाल थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, इसको एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद समझाने की फिर कोशिश करूँगा दोस्तों। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, वह है 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना, बालक किस वर्ष में सीखता। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, देखो कि 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, ध्यान से देखना, 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना, बालक किस वर्ष में सीखता है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, 4 ऑप्शन को देख के बताना है। देखो एक बार मैं सवाल को रिपीट कर देता हूँ, आपको बताना है कि 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना,
कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना और भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा, नवम वर्ष का मतलब नौ साल का होगा तब, अगला एकादश यानी 11 साल का होगा, 10 यानी 10 साल का होगा और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको पता होगा कि 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या करना और भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना बालक एकादश यानी कि 11 वर्ष में सीखता। दोस्तों 11 वर्ष में सीख जाता है, ठीक है दोस्तों, 11 वर्ष में सीख जाता दोस्तों। तो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सवाल हमारे पास है उसके ओर अपन आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मक में सामाजिकता का भाव आ जाता। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। देखो किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मक में सामाजिकता का भाव आ जाता है। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, वो आपको बताना है। जैसे किशोरावस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है और उत्तर किशोरावस्था। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बाल्यावस्था। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों इसको और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, शैशवावस्था। आगे आपको एस दे रखी है शैशवावस्था। ये कहता है जन्म से 4 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 7 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की शैशवावस्था होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला है, कॉल्सनिक ने किशोरावस्था की आयु बताइए, यानी कि कॉल्सनिक नामक विद्वान ने किशोरावस्था की आयु कितनी बताई है। आपको बताना है, जैसे 10 से लेकर 12 वर्ष, 15 से 30 वर्ष, 12 से 21 वर्ष और 10 से 15 वर्ष। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि कॉल्सनिक ने किशोरावस्था की जो आयु बताई है वह है दोस्तों 10 से 15 साल। क्या है, 10 से 15 साल हो जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 10 से 15 साल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आराम से देख रहे हैं सवाल को। ये 25वां जो क्वेश्चन है इसकी ओर आगे बढ़ते हैं कि बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है। जो बाल्यावस्था होती है उसमें बालक किन किन चीज़ों में अंतर समझने लग जाता है। देखिए इसमें आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, अच्छी वे बुरी आदतों में, माता पिता में, मित्रों में और शिक्षकों में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बाल्यावस्था में आपको बताना है कि बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अच्छी वे बुरी आदतों में अंतर समझने लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, वो है बालकों को दिन तारीख। देखिए बालकों को दिन तारीख वर्ष का ज्ञान होता है, यानी ऐसी कौन सी एज यानी उम्र है उस उम्र में उस आयु में बालकों को दिन तारीख और वर्ष का ज्ञान होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, 8 साल का होता तब वो जानता है क्या, पहले आपको देखना है, क्या वो 10वें वर्ष में होगा तब वो दिन तारीख और वर्ष को जानेगा, या 9वें वर्ष में जानेगा, या 12वें वर्ष में जानेगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 9वें वर्ष में। क्योंकि जब बालक 9वें वर्ष में आ जाता है, 9वें वर्ष में आ जाता है तो बालक दिन है तारीख या फिर वर्ष का ज्ञान उसे हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। आपके सामने चार ऑप्शन हैं और सवाल पूछा शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। चार ऑप्शन, मानसिक विकास की तीव्रता, उसके बाद में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता और शारीरिक विकास में तीव्रता, और चार नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। क्योंकि देखिए सवाल को ध्यान से देखिए आप सभी, सवाल है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या क्या है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता देखिए, मानसिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता और शारीरिक विकास में तीव्रता। दोस्तों उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय पसंद करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों कि 5 वर्ष का जो बालक है, 5 वर्ष का जो शिशु है, वो मित्रों की पुस्तक देखते समय क्या पसंद करेगा। देखो 5 साल का जो बच्चा होता है वो अपने मित्रों के साथ अगर पुस्तक देखेगा तो क्या वो पुस्तक को पढ़ना पसंद करेगा, क्या वो बातें करना पसंद करेगा, या सोना पसंद करेगा, या कहानी सुनना पसंद करेगा। आपको पता होगा कि 5 वर्ष का जो शिशु है वो कहानी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कहानी सुनना। अगले सवाल को आप ध्यान से देखिए दोस्तों। देखो अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। देखिए कि एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने वे चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है, संभव है कि वे जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वे आयु वर्ग है। दोस्तों आपको बताना है कि अगर एक अध्यापिका, मान लीजिए आप एक अध्यापक हो, ऐसे समझ लीजिए आप अध्यापक हो और कक्षा में जाते हो, जब आप कक्षा में प्रवेश करते हो तो आपके हाथ में क्या होता है दोस्तों, कई खिलौने होते हैं आपके हाथ में, क्या होते हैं, कई खिलौने होते हैं,
चमकीली वस्तुएं भी आपके हाथ में होती हैं और इन सभी को लेकर आप कक्षा में प्रवेश करते हो। संभव है वे जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है उस आयु वर्ग को आप बता सकते हो। देखिए कि अगर अपन खिलौने में चमकीली वस्तु लेकर जाएंगे तो अपन किन विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं, तो आप इसमें बता सकते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखो चार ऑप्शन दे रखा है, वो है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर और शिशु। क्योंकि देखिए दोस्तों कि खिलौने और चमकीली वस्तु अपन छोटे बच्चों को दिखाएंगे, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से पूर्व की अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारे जो चार ऑप्शन है इसमें है पूर्व बाल्यावस्था सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न आयु वर्ग पूर्व किशोरावस्था से संबंध रखती है। देखो यानी आपको बताना है कि ऐसी कौन सी आयु है जो पूर्व किशोरावस्था से संबंध रखती है, यानी किशोरावस्था से पूर्व की अवस्था आपको बतानी है दोस्तों। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था बतानी है। ठीक है, तो निम्न आयु वर्ग में पूर्व किशोरावस्था का संबंध है, जैसे 8 से 10 साल का होगा, या 11 से 14 का होगा, 12 से 16 होगा, या 16 से 17 होगा। तो आपके सामने जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 साल के बीच होती है। पूर्व किशोरावस्था क्या होती है दोस्तों, 12 से 16 साल के बीच होती है। देखिए दोस्तों मैंने आपके सामने 30 सवाल की बात की थी, 30 सवाल अपने कंप्लीट हो गए। अब मेरा सवाल है दोस्तों, आप 30 में से कितने सही करते हो, 30 में से आप कितने सवाल सही करते हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।